हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुशील कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट गैलरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एवरेज में हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, एवरेज में मैंने पार्ट वन में ये एवरेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बताया है और भी कुछ चीज़ें बताई हैं जो हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे पांच लगातार या फिर सम या फिर विषम, इवन ऑड, बराबर संख्याओं का औसत कितना होगा? 20 होगा। 20 होगा औसत, तो हो तो पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल, उनको मल्टीप्लिकेशन करके या फिर गुणनफल बोला है, कभी बोलेगा योगफल ज्ञात करो, हाँ, या फिर बोलेगा उनके बीच का डिफरेंस पता करो, हाँ, उनके बीच में कितना अंतर है, तो माइनस करना पड़ेगा हमें, समझा? पहली क्या बोला है, पहली और आखिरी संख्या। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए ना, तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा हम कैसे करते हैं। हम कुछ इस मेथड का यूज करते हैं। पहली संख्या हमें पता नहीं तो यक्स मानते हैं, दूसरी संख्या यक्स प्लस वन, तीसरी यक्स प्लस टू, यक्स प्लस थ्री, यक्स प्लस फोर, ऐसी पांच संख्या हो गई और इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, हाँ, अपॉन फाइव कर देते हैं, इक्वल कितना योगफल हो गया, 20। इस तरीके से हम सॉल्व करते थे, लेकिन इस तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। यक्स का वैल्यू पता करेंगे, फिर ये पता करेंगे, फिर ये ऐसा, उसके बाद ये फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लीकेशन पता करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हम इस तरीके का जो है यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़िए, हाँ, तो हम क्या करेंगे, देखो पहली और आखिरी संख्या का कितना बोल रहा है, 20, 20 बोल रहा है, इन सबका क्या होगा, औसत 20 होगा। इतना याद रखना, पांच लगातार संख्या है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो बीच वाला जो संख्या है ना, औसत मैंने बताया, एवरेज, उसके जो बीच का संख्या रहता है ना वही होता है। तो बीच का संख्या 20 है यहाँ पे, तो 20 ये पहली संख्या, आगे वाली 21, फिर ये 22, यहाँ पे क्या होगी, ये 19 होगी और ये 18। तो ये देखो, ये पांच संख्याएं हैं, इन सबका औसत कितना होगा, 20 होगा। औसत 20 होगा तो क्या पूछा है, पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल। देखो 18, हाँ, 18 गुणे 22, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये लगातार संख्या। अब बोलेगा कि सम संख्याएं हैं, हाँ, सम संख्याएं हैं, कुछ इस तरीके से सम संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए, पाँच सम संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए, सम संख्याएं है, औसत है, तो ये कुछ 20 हो गया। अगर ये 20 के बदले मैं बोलूं कि 144, 500 क्या सम संख्याओं का औसत 144 हो, तो हाँ, पहली और आखिरी संख्या का जो है गुणनफल या फिर जो भी पता करो, तो ये 144 हो गया, सम संख्या हो गई। 20 पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, सम संख्या हो गई 20। तो याद रखो सेम इस तरीके से, हाँ, बीच वाला मैंने आपको बताया वही होगा, पाँच संख्याएँ, 1, 2, 3, 4, 5 दोनों सम है, हाँ, दोनों सम है, बीच वाला क्या है 144 सम, ये भी सम संख्या है 144, यही आपका औसत है, बराबर। तो यहाँ पे 146 होगा, 148 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 142 होगा और ये 140 होगा, ये हो गया। अब पहली और आखिरी संख्या मतलब 140 मल्टीप्लाई बाय 148, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या बोल रहा है, वही पांच संख्या है लेकिन विषम संख्या है, समझ रहे ना आप, विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं और उनका योग जो औसत है ये हो रहा है 144, तब विषम संख्याएं है ना, तो उनका औसत अगर पांच विषम संख्याएं हैं तो उनका जो औसत है वो 144, ये सम संख्या नहीं आएगा, ये भी विषम आएगा, तो 147 ले लेते हैं, 147, बराबर। तो 147 ना, तो मैंने पहले ही बताया पांच संख्या है, तो बीच वाली कौन सी है, 147, यहाँ पे 140 कितना 9, 151 और यहाँ पे 145, 143, तो ये बीच वाली संख्या है, औसत यही था। ये पहली संख्या हो गई और ये आखिरी संख्या, इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मिल जाएगा। गुणनफल बोल रहा है, अगर यहाँ पे योगफल होता क्या होता, यहाँ पर होता योगफल, योगफल होगा तो मैं जोड़ दूंगा इसको, योगफल होगा तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। अगर यहाँ पे पूछेगा डिफरेंस पूछेगा या फिर उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो मैं माइनस करके अंतर निकाल लूंगा, बराबर। आगे बढ़ते हैं, सेम यही चीज मैं यहाँ पे पांच संख्या के लिए बोल रहा हूँ, आपने ध्यान दिया होगा, पांच संख्या बोल रहा हूँ, तो ये जो पांच संख्या क्या है, ये विषम संख्या है, ऑड है, ऑड नंबर है। अगर ये पांच संख्या नहीं बल्कि फोर होगा, याद रखो, अगर फोर होगा, चार संख्याओं का लगातार
अगर बोलूंगा तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। पहली लगातार संख्याओं का, अगर प्राकृत संख्याओं का कुछ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम उसी तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दिया चार सम संख्याएं हैं, चार सम संख्याएं हैं और उनका जो औसत है 147 आ रहा है, चार 147 आ रहा है, तो इस बात को समझो। चार सम संख्या है तो चार ही संख्याएं हैं, एक दो तीन चार, इसका जो औसत है 147 है, तो 147 आ रहा है। लेकिन सम संख्या बोला है, सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो इवन नंबर बोला है तो ये तो इवन है नहीं, तो इसके पहले क्या है 146 और 148, हाँ, तो इन दोनों संख्याओं का ये मिल के बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 150 होगा, यहाँ पे क्या होगा 144 होगा। ये चार संख्याएं हो गई। और क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है या फिर योगफल निकालना है, तो ये पहली संख्या और ये आखिरी संख्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा या फिर ऐड कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे पूछेगा, योगफल गुणनफल बोलेगा या फिर डिफरेंस पूछेगा। अब ये सेम चीज़ है, यहाँ पे चार संख्याओं का, चार विषम संख्या पूछ रहे हैं, चार विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, विषम संख्याएं हैं चार, चार विषम संख्याएं हैं तो उसका औसत देखो, औसत याद रखना विषम नहीं आएगा, चार विषम संख्याएं हैं उसका औसत विषम नहीं आएगा, उसका औसत सम आएगा, मतलब सम संख्या कोई ले लेता हूँ 122 ले लेता हूँ, बराबर, तो 122 है तो ये 122 हो गया। चार संख्याएं हैं, विषम है ये तो सम है, बराबर, ये तो सम संख्या है, तो ये चार संख्या 121 और 123 से मिलके बना है, तो चौथी संख्या क्या होगी 125 होगी और यहाँ पे 119 होगी। ये चार संख्या मिल गई, चार संख्या मिल गई, ये पहली संख्या या आखिरी संख्या, गुणनफल पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, योगफल पूछेगा तो जोड़ देंगे, और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अगर डिफरेंस पूछा तो माइनस कर देंगे, समझा, इस तरीके से रहता है, सॉल्व हो गया, बराबर। आगे बढ़ते हैं इस तरीके क्वेश्चन, और एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं 20 संख्याएं हैं, हाँ 20 क्या है, नंबर है या फिर संख्या है, 20 संख्याएं हैं और उनका औसत जो है जीरो है, औसत जीरो है, तो इसमें मुझे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो कितनी ज्यादातर ज़्यादातर संख्याएं क्या होंगी, ग्रेटर देन जीरो या फिर पॉजिटिव होंगी, ग्रेटर देन ये जीरो या फिर पॉजिटिव होंगी, कितनी ज़्यादातर संख्याएं होंगी, इतना याद रखो। देखो 20 संख्या है, 20 संख्या है बहुत बड़ा नंबर है, 20 संख्या ना, इतना याद रखो, मैक्सिमम पॉजिटिव या फिर मैक्सिमम निगेटिव कितना हो सकता है, 20 से एक कम कर दो 19 भाई, 19 क्यों हो सकता है, याद रखो, अगर ये देखो सारा का सारा नंबर -2 -3 -4, हाँ अगर ये सब सारा का सारा माइनस में है, अगर उसका औसत क्या है, जीरो है, तो जीरो लाने के लिए अगर मेरे पास ये चार संख्या है, तो पांचवी संख्या को मैं क्या करता हूँ पता है, पांचवी संख्या को कितने हैं, ये 7 हो गया, 10 हो गया, तो ये जो है +10, ये पॉजिटिव में रहेगा, और इसका औसत क्या होगा पता है, जीरो, औसत जीरो होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है कितनी मैक्सिमम ज़्यादातर संख्याएं ग्रेटर देन जीरो होगी, तो ग्रेटर ज़्यादातर जो पॉजिटिव में होंगी वो 19 होंगी, 20 -1, क्योंकि किसी भी संख्या को पॉजिटिव में उसका आंसर या फिर नेगेटिव में या फिर उसको जीरो बनाने के लिए ना, वन कहने का मतलब है जीरो बनाने के लिए ना, उसको बस एक ही नंबर का ज़रूरत पड़ता है, वो एक नंबर इधर है, एक नंबर इधर है, मतलब समझो 19 की 19, पूरे 19 के 19 नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है तो वो जीरो हो जाएगा, या फिर 19 के 19 पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है तो भी जीरो हो जाएगा, समझे, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।